ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फर्दर लेकर चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अटेम्प्ट इस तरीके से होगा कि इसके अंदर हम दो इक्वेशन गिवन है x square plus 2y square is equal to 3 and x square plus 4xy minus y square is equal to 3. देखिए अगर ये टर्म ना होती तो ये उसी तरीके से लास्ट तीन क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा था क्योंकि ये टर्म आ गई है, ठीक है, तो ये उस और मतलब उस वाले तरीके के साथ ये परफॉर्म नहीं हो सकता. हाउ यू कैन सॉल्व इट, तो मैंने एक चीज़ बड़ी जबरदस्त देखी कि जब ये जीरो आ रहा था तो मैंने देखा क्या ये आपस में फैक्टराइज हो सकता है, ये सेकेंड इक्वेशन से फैक्टराइज हो सकती है, तो देखा कि ये फैक्टराइज हो जाती है और ये फैक्टराइज होते दो फैक्टर्स बना देती है, एक बना देती है जी एक्स इक्वल टू माइनस फाइव वाई और एक फैक्टर वाई एक्स इक्वल टू माइनस वाई करने एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो की मदद से एक्स इक्वल टू वाई आता है. अब मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा फर्स्ट वाले पार्ट में और इनके कोरस्पॉन्डिंग आंसर्स निकालूंगा, पहले एक को करूंगा फिर दूसरे को सॉल्व करूंगा. फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई, ठीक है जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, दोनों में से किसी एक में पुट कर देते कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट करना जरा ज्यादा आसान है. अभी क्या हो जाएगा माइनस फाइव वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, इट बिकम्स 25 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड देन 27 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फर्दर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 27 एंड देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9. नाउ इफ आई टेक द अंडर रूट ऑफ इट तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाय 3. अच्छा अगर ये प्लस माइनस 1 बाय 3 है तो x क्या था, x था माइनस फाइव बाय, यहाँ से मुझे x के आंसर्स निकल आए माइनस फाइव इंटू वन बाई थ्री ए, एक सोल्यूशन हो गया लेकिन y इज इक्वल टू वन बाय थ्री एक है, थोड़ा सा क्लियर करके कर देता हूँ, y इज इक्वल टू वन बाय थ्री एक है पार्ट और y इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री पार्ट. अब देखिए as x इज एट द स्टार्ट माइनस फाइव बाय so y becomes minus 5 by 3 put करने के बाद, ठीक है जी, x sorry x will be equal to minus 5 by 3, here as we know कि x क्या है जी minus 5 by है, so that यहाँ पे भी ये कि x की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी plus 5 by 3, क्या हो जाएगी plus 5 by 3, तो दो ordered pairs जो बनेंगे side से वो मैं पहले बना देता हूँ, एक बनेगा कि minus 5 by 3 1 by 3 और एक बनेगा जी 5 by 3 minus 1 by 3. दो solutions तो हमारे पास आ गए. तो कौन सा था जी question number? I think हमारा 10 था. देख भी लेते हैं. आधा question यानी हमने भी कर ली गई है. 10 का बिल्कुल ठीक है. 5 by 3 minus 1 by 3 और minus 5 by 3 1 by 3. बिल्कुल सही आ रहा है. अब second part करते हैं जिसमें x y के बराबर. अब इसको भी हम perform करेंगे. देखिए चार सोल्यूशन आ गए दोबारा. तो अभी आप जरा देखिए इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा जी फॉर x इज इक्वल टू y क्या होगा जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा वही बात है y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि जो 3y स्क्वायर हो गया सिंपल सी बात है y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 y स्क्वायर का आंसर आ गया 3 बाय 3 सॉल्व होते ही होगा हो गया 1 और y के आंसर आ गए प्लस माइनस साबित हुआ एक तरफ y 1 सो x क्या होगा x तो y के बराबर है यानी x भी क्या हो गया 1. अच्छे स्टार्ट में देख लें और फिर क्या जी अगर y माइनस 1 है तो x तो y के बराबर है एज वी नो x के बराबर है y के तो x भी क्या हो गया माइनस यानी दो ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 1 एंड माइनस वन माइनस वन तो चार आंसर्स होंगे. अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो चार आंसर्स होंगे कौन कौन से, पहला हो गया जी माइनस फाइव बाई थ्री वन बाई थ्री एक ऑर्डर पे, दूसरा जी फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री दूसरा ऑर्डर पे, फिर आ गया जी वन वन और फिर आ गया माइनस वन माइनस वन, ठीक है जी, तो ये देख लें ये आपके आंसर्स में ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए ये बॉक्स के आगे ये आंसर्स आ गए.
क्वेश्चन नंबर 10 भी परफॉर्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। टाइप वाइज मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो जो टाइप बदलती गई है, जो जो तो मैंने भी वीडियो आपकी वही ब्रेक कर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैंने बेहतर किया, तो हम मुझे उम्मीद है कि हम ईद से पहले पहले चार चैप्टर जरूर कवर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हो सकता है मैं 3 चैप्टर 3 स्किप कराऊँ और 4 पहले कराऊँ और फिर 3 पे आऊँ, देखूँगा, अभी सोचा नहीं। फिर है जी 11 में लिखा हुआ है दैट इज 3x² - y² = 26। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट इज 3x² - 5x² - 12y² = 0। लिखा होता ना तो मैं डाउटफुल होता, कोई नंबर जीरो है ना तो मेरे जेन में आएगी फैक्टराइज हो सकता। बच्चे भी सेंस है ना, 4, 3, 4, 5 उनको ही आपने अप्लाई करना है, फिर मैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार ये कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन था। ये प्रैक्टिस देखिए इंसान को जो है ना वो बेहतर करेगा। -9x² + 4x² देखिए कैसे, कि अगर मैं इन दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है -36x² - y² और बनाना -5x² माइनस से ये शो कर दिया इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। कौन से दो नंबर थे जिनमें डिफरेंस 5 है और मल्टीप्लाई करने से 36 बनता है, तो 9 4 = 36। नाउ 3x कॉमन लेने से x - 3y बचेगा और 4y कॉमन लेने से भी x - 3y ही बचेगा। मजे की बात, x - 3y एक फैक्टर आ जाएगा और 3x + 4y एक फैक्टर आ जाएगा। x - 3y भी 0 के बराबर है और 3x + 4y भी 0 के बराबर। फर्दर x 3y भी हो सकता है और x - 4/3y भी हो सकता है। कैसे कि -4y हो जाएगा 3 divided। अब क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा नहीं चला सकते, ठीक है, पेज पे जगह नहीं होती तो एक एक को चला देते हैं। फॉर x = 3y पहले इसी का नहीं कर देते हैं। फॉर x = 3y इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी बताएं, 3 × क्या हो जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 3y² - y² = 26। साबित हुआ ये क्या बनेगा, सॉल्व करने पे 3 × 9y² अब 1 अगर प्लस है और 1 अगर माइनस 1 है, प्लस 1 है तो एज यू नो x = 3 वाई से स्टार्ट हुआ था तो x हो जाएगा 3 × 1 यानी कि x हो जाएगा 3। और यहाँ पर अगर y जो है वो क्या आ जाएगा जी, एज वी नो कि x क्या है जी 3y है तो खुद कर देते हैं x 3 × क्या होगा -1 तो ये x तो आ जाएगा -3। ऑर्डर पेयर्स बन गए यानी कि बुक इस तरह मैं बना देता हूँ, एक ऑर्डर पेयर बन गया 3y, एक ऑर्डर पेयर बन गया -3 -1, ठीक है जी। एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है, अब दूसरे की तरफ हम गामजन है जिसके अंदर x की वैल्यू 4/3y माइनस और x = -4/3y या 4y/3 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाए लिखते हैं 3 × - 4/3y² - y² = 16/9y² - y² = ये ऐसे से करके 3 times 16y² - 3y² / 3 एलसीएम ले लिया था। अच्छा ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा 13y² नो प्रॉब्लम, ये 26 × 3 हो जाएगा, डिवाइड करें तो 13 2 हो जाता, 32 × 26 सो y² की वैल्यू आ जाती है 6 और y आ जाता है +-√6। डोंट वरी कोई बात नहीं,
अब अगर ये है बात, तो y अगर प्लस अंडर रूट 6 है तो x क्या होगा? माइनस 4 बाय 3 y, यानी माइनस 4 अंडर रूट 6 बाय 3। ऐसे भी ठीक है और ये भी पॉसिबल है कि उसमें से सॉल्व करके दिखाओ, अगर ऐसे ही है तो कोई बुरी बात नहीं है। और y अगर माइनस ये है तो x क्या हो जाएगा? माइनस 4 बाय 3 y है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 बाय 3 और माइनस अंडर रूट 6, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 8, 4 अंडर रूट 6 बाय 3। सो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, देख लेते हैं, देख लेते जी हमारे सॉल्यूशन कितने हद तक ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल ये सॉल्यूशन आ रहा है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन आ रहा है, दो ये आ रहे हैं। सॉल्यूशन सेट क्या लिखा जाएगा? 3 1 और माइनस 3 माइनस 1। फर्दर क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 6 बाय 3 अंडर रूट 6, और फिर क्या लिखा जाएगा? 4 अंडर रूट 6 बाय 3 साथ आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, इधर से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? जगह नहीं है बता देना, इधर से ऑर्डर पेयर बनेगा माइनस 4 अंडर रूट 6 बाय 3 अंडर रूट 6, और इधर से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? इधर से ऑर्डर पेयर बनेगा 4 अंडर रूट 6 बाय 3 माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर उधर फाइनल आंसर के अंदर आ जाए। सो अल्लाह की फजल से आपने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर। अब जो आखिरी दोनों क्वेश्चन हैं वो दोनों एक टाइप के, इसलिए वो मैं फिर इसके साथ नहीं करवाऊंगा, बल्कि वो दोनों होंगे दो डिफरेंट तरीकों से, लेकिन फिर भी वो एक कॉम्बिनेशन बनता है। सो आई विल परफॉर्म देम सेपरेटली, मैं उन्हें दूसरे तरीके से ही परफॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।